हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो हम आज बनाने वाले हैं भजिया कढ़ी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी हम पहले कढ़ी के लिए मसाला निकालेंगे। हमने कढ़ी के मसाले के लिए ले लिया है खोपरा लिया है आधा, हरी मिर्ची ली है 4 से 5, लहसुन लिया है 6-7-8 कली, ज़ीरा लिया है और कोथमीर लिया है। ये बघार के लिए है कड़ी पत्ता, लाल मिर्च और ज़ीरा। इसे हमें बघार देना है। और हमें सिर्फ 2 टीस्पून ही बेसन डालना है कढ़ी में, बस। आधा लीटर हमने छाछ लिया है और दही लिया है, ये 200 ग्राम दही है। अभी हम सबसे पहले जो मसाला हमें पीसना है वो डाल देंगे, उसे ग्राइंड कर लेंगे। जो हमने कढ़ी के लिए मसाला निकाला है उसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। कोथमीर और खोपरे को अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि कोथमीर में मट्टी रहती है इसलिए हम उसे धो लेंगे। अभी हम एक पतीली में दही डाल देंगे और उसे अच्छे से हैंड ब्लेंडर से अच्छा सॉफ्ट हम उसे फेंट लेंगे। और हमने जो बेसन निकाल के रखा है वो भी हम उसमें डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसकी गुठलियाँ सब हट जाए, एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए, ऐसा हमें फेंटना है। देखिए सब गुठलियाँ ना उसकी हट गई है, सब मिक्स हो गई अच्छे से। अभी हम उसमें हल्दी ऐड करेंगे। नमक ऐड करना है 1 टीस्पून, नमक अपने हिसाब से ऐड करना है और उसे अच्छे से फिर वापस से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी जो हमने मसाला पीस के रखे थे कढ़ी का, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सी पानी ऐड करेंगे, वही मसाले का पानी ऐड कर देना है, फिर इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और अभी हम छाछ इसमें डाल देंगे, पूरी आधा लीटर छाछ पूरी डाल देना है। उसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम गैस ऑन कर देंगे और कढ़ी पकने के लिए रख देंगे और उसे अच्छे से चम्मच से चलाते रहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कढ़ी में हल्दी कम है तो आप हल्दी और भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसमें पूरा 1.5 गिलास पानी डालेंगे। 1.5 गिलास पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से पकाते रहेंगे ताकि हमारी कढ़ी अच्छे से पक जाए। हमें देर तक कि हमारी कढ़ी पकाना है इसके लिए हम इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। इसे कंटिन्यू ऐसे ही चलाना है ताकि वो नीचे लगे नहीं और फटे नहीं, क्योंकि हमने इसमें छाछ और दही दोनों ऐड किए हैं तो ये फटे नहीं, इसलिए कंटिन्यू ऐसे ही चलाना है जब तक कि उसको अच्छे से जोश नहीं आ जाए। जोश आने के बाद आप उसकी फ्लेम स्लो कर दें और फिर उसे पकने के लिए छोड़ दें। देखिए मेरी कढ़ी को जोश आ गया है। जोश आने के बाद ही हमें ऐसे ही पकाना है उसे ताकि हमारी कढ़ी अच्छे से पक जाए। कढ़ी ज़्यादा पकेंगी तो ज़्यादा अच्छी लगती है और खाने में भी टेस्ट आता है। अभी हम इसे ऐसे ही पकने देंगे, अपनी गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और छोड़ देंगे। अभी हमें कढ़ी का भजिया तैयार करना है। तो हमने प्याज चॉप्ड कर ली थी, उस प्याज हम ले लेंगे 2 मीडियम साइज़ की। आपको अगर ज़्यादा पकौड़े बनाना है तो आप ज़्यादा ले लीजिए,
मुझे कम बनाना था इसलिए मैंने कम लिए। 2 मीडियम साइज़ की प्याज देना है, कोथमीर, मिर्ची, अभी हम सबको एक साथ डाल देंगे। थोड़ा सी हमने सोडा खा लिया है, पिंच ऑफ सोडा खा रहे, नमक लिया है, ज़ीरा डाल देंगे और हल्दी ऐड कर देंगे। बेसन डालना है हमें, पहले हम इतना बेसन डाल के उसे सूखाई मिक्स करेंगे। हम और बेसन ऐड करेंगे और पानी डाल के इसे अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिलाना है, ऐसे गुटली नहीं रहे। अभी हम इसे रख देंगे। अब एक पैन में हमने तेल गरम कर दिया है, देखेंगे कि तेल गरम हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी हमारा तेल गरम हो गया है, अभी हम इसमें भजिए डालेंगे, यानी जो भजिए के बैटर है वो डाल देंगे और उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। भाई भजिए हमारे ब्राउन हो गए, अभी हम इसे निकाल देंगे। निकाल लेने के बाद इसको इसमें और भजिए डालेंगे, फिर उसके बाद हम ये भजिए हम कढ़ी में डाल देंगे। देखिए हमारे भजिए पूरे फ्राई हो गए हैं, अभी हम ये भजिए कढ़ी में डाल देंगे। और कढ़ी को अच्छे से जोश लेना है, ये डालने के बाद गैस की फ्लेम लो ही रखना है। अभी से हम बघार देंगे, तो हमने बघार के लिए सब चढ़ा दिया है गैस पे। कढ़ी को पकने के लिए छोड़ देना है ऐसे ही, ताकि इसमें भजिए अच्छे से पक जाए, थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो जाए भजिए। देखिए अभी कढ़ी को भी जोश आ गया है, अभी हम इसमें जो हमने बघार के लिए निकाला था वो बघार हमने रख दिया था गैस पे पकाने के लिए, अभी हम इसमें बघार दे देंगे। थोड़ी देर उसको कवर करेंगे, फिर उसका कवर हटा देंगे यानी ढक्कन हटा देंगे, उसे अच्छे से हिला दें यानी मिक्स कर देंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारी कढ़ी पक गई है और कितना अच्छा कलर आया है उसका, और इतनी यम्मी और इतनी टेस्टी बनी है हमारी कढ़ी, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है उसकी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि मेरी कढ़ी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।